Assalamu alaikum, grade 5. Today we are going to start unit number 1 of your book, which is The Human Body. Previous lecture में हमने पढ़े थे science की brief introduction, और एक चीज़ हमने पढ़ी थी that all scientists have one thing common, which is curiosity. जैसे curiosity इन सारे scientists में common थी, यानी तजस्सुस. उसी की वजह से आगे हमने पढ़ा था कि हमें पता चला उस क्यूरियोसिटी की वजह से जब उन्होंने क्वेश्चन किया और आंसर फाइंड किया, क्योंकि उससे पहले साइंटिस्ट को भी पता नहीं था कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के क्या. और सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी थी, हम साइंटिस्ट को या किसी को भी ह्यूमन बॉडी के बारे में, माई बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी क्वेश्चनिंग की वजह से, उन्होंने जब उसको क्वेश्चन किया कि ये कैसे होता है, इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ फंक्शन कर रही है, क्या नहीं कर रही, उनके क्वेश्चंस की वजह से जब उन्होंने आंसर्स फाइंड आउट किए, तो जो नॉलेज हम उन्होंने गेन की, वो नॉलेज उसकी वजह से हमें पता चला ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसकी सिस्टम्स के, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में. तो उस नॉलेज से आज हमें जो पता चला है, हम उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम से पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अज़ा को कहते हैं, जैसे आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, या आपका हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया. ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारे ऑर्गन्स में आती है. और ये ऑर्गन्स मिलाकर डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं. एक हो गया हमारे पास ये नर्वस सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी सिस्टम्स भी हम आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये नर्वस सिस्टम पढ़ें. नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आते हैं? हमारे पास ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. मेनली जो ऑर्गन है नर्वस सिस्टम जिन पर डिपेंड करते हैं या जिनसे मिलकर बना है, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो नर्वस सिस्टम उर्दू में अगर हम इनको कहें तो उसको हम कहते हैं असाबी निज़ाम. इसके बारे में देखिए, सबसे पहले आप लोग फ्लो शीट देखें. नर्वस सिस्टम की आती है हमारे पास टू टाइप्स. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेम से इंडिकेट कर रहा है ये सेंटर में होता है, इसलिए इसका नेम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल, पेरिफेरल की मीनिंग होती है साइड्स पे, तो इसीलिए इसको पेरिफेरल कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल एरिया होता है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो साइड्स पे या पेरिफेरी पे होता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. ये है इसकी नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स. आगे फर्दर आपको टाइप्स में बता रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं नर्वस सिस्टम में. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन आप सबको पता है क्या होता है? हमारे दिमाग. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम अपनी स्पाइन को, यानी रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. सेकंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ आती है? ऑल द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी. नर्व्स आती हैं हमारी बॉडी में, जितनी भी नर्व्स आती हैं. इसके फंक्शंस हम साथ साथ पढ़ेंगे कि ये क्या फंक्शन करती है. फिलहाल ये पढ़ें कि नर्व्स जो हमारी फुल बॉडी में फैली होती हैं वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. जैसे इस डायग्राम में देखें, आपको इसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा. इस डायग्राम में देखें, आप लोगों को दिखा रहे हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इनकी लोकेशन किधर. और नीचे जो पिंक और ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जो जो पिंक ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो जो ब्लू ऑर्गन्स आपको नज़र आ रहे हैं वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. यानी ब्रेन आ रहा है और स्पाइनल कॉर्ड जो आपको पिंकिश एरिया में नज़र आ रही है, इनकी लोकेशन है, और ये आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और बाकी जो देख रहे हैं आपने पूरी बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई है, थ्रू आउट द नर्व्स जो है वो किस में आ रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में. ब्लू ब्लू जो है, ये था आप कुछ नर्वस सिस्टम और इसकी टाइप्स के बारे में और उसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं. अब आए बोर्ड की तरफ, और इस पर हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करता है हमारे पास. हाउ नर्वस सिस्टम वर्क्स. व्हाट हैपेंस व्हेन समवन थ्रोस अ बॉल एट यू. तो ये कैसे वर्क करता है? नर्वस सिस्टम टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड फ्रॉम इनसाइड द वर्ल्ड. फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड कैसे लेता है? कि बॉल आपकी तरफ आ रहा है तो वो फॉरन नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन लेगा कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और फ्रॉम इनसाइड द वर्ल्ड वो क्या करेगा? उस इन्फॉर्मेशन पे वर्क करेगा और मैसेज सेंड करेगा टू द वेरियस डिफरेंट पार्ट्स या वेरियस बॉडी पार्ट्स. लाइक इट्स देन रिस्पॉन्स टू दैट इन्फॉर्मेशन बाय टेलिंग वेरियस बॉडी पार्ट्स व्हाट टू डू. के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मैसेज सेंड किया जाएगा कि अब उसको क्या करना चाहिए. तो क्या हुआ, पहले जैसे बॉल फेंका गया तो आउटसाइड द वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन ली गई कि कोई बॉल आपकी तरफ, कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है. इनसाइड द वर्ल्ड मतलब आपकी बॉडी में, इनसाइड द वर्ल्ड का यह है कि आपकी बॉडी में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेज भेजा जा रहा है कि ये अब क्या ऑर्गन्स को मैसेज सेंड ये किया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको क्या डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करना चाहिए. जैसे अब बॉल आया तो आप उसको कैच कर लेते हैं, या तो अगर आप उसको कैच नहीं कर पाते तो आप पीछे हट जाते हैं. तो ये किसकी वजह से हुआ? पहले मैसेज आया नर्वस सिस्टम में, उसने
उसने इंफॉर्मेशन पे वर्क किया, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है मैसेज सेंड किया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, या हैंड को यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा है कि या तो बॉल को कैच कर लिया जाए या फिर मैसेज सेंड किया जाता है, अगर कैच नहीं हो सकता तो फीट को मैसेज सेंड किया जाता है कि पीछे हट जाए। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत विद इन सेकेंड से मैसेज सेंड होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि मैसेज आया और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को गया और उसने उस पर काम किया। ये थी एक एग्जांपल बॉल की जो हमने दी गई। अब आपको और चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि वो नर्वस सिस्टम और किन किन चीज़ों को रिएक्ट करता है। द नर्व्स रिएक्ट टू समथिंग लाइक हीट, लाइट, साउंड एंड अदर स्टिमुलस। वो हीट को भी रिएक्ट कर सकता है, लाइट की तरफ भी रिएक्ट कर सकता है, साउंड की तरफ एंड अदर स्टिमुलस लाइक उसके अलावा भी कोई स्टिमुलस। हीट की तरफ कैसे रिएक्ट कर सकता है, हीट की एग्जाम्पल आगे पढ़ रहे हैं। चल मैं आपको पहले लाइट और साउंड को बताती हूँ। लाइट की तरफ कैसे होता है, अक्सर आप अंधेरे में और फौरन लाइट ब्लिंक हो या फौरन लाइट ऑन की जाए तो आप फौरन आईज ब्लिंक करते हैं या आईज बंद कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, पहले मैसेज सेंड होता है नर्वस सिस्टम को, वो उस पर वर्क करता है और देन मैसेज सेंड किया जाता है आईज को कि आईज या ब्लिंक हो या आईज हम बंद कर लें। और साउंड की तरफ इसी तरह होता है कि साउंड ज़रा भी ज़्यादा तेज़ हो, नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज़्यादा तेज़ हो तो हम फौरन अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन ली, उस पर वर्क किया और मैसेज फौरन सेंड किया हमारे हैंड्स को कि हम फौरन जो है अपने हाथ कानों पे रख दें। तो ये इस तरह रिएक्ट करता है डिफरेंट स्टिमुलस को, या उसके अलावा भी स्टिमुलस लाइट साउंड वगैरह उसके अलावा भी कोई और स्टिमुलस हो तो उनकी तरफ ऐसे रिएक्ट करता है, वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया सेकेंड पॉइंट देखिए, मैसेज रीचेस द ब्रेन दैट वर्क्स आउट व्हाट टू डू, इट सेंड्स अ मैसेज टू द बॉडी एंड बॉडी रिएक्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको लाइट और साउंड की एग्जाम्पल दी कि मैसेज पहले सेंड हुआ लाइट में आईज की तरफ मैसेज सेंड होता है और साउंड में फिर ईयर्स की तरफ मैसेज जाता है या फिर हैंड्स की तरफ मैसेज जाता है। सो इट सेंड द मैसेज टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ मैसेज सेंड होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको लाइट और साउंड की दे दूँ। अब हीट की एग्जांपल क्या है, व्हेन यू टच एक्सीडेंटली समथिंग हॉट द नर्व्स इन योर स्किन सेंड्स अ मैसेज ऑफ पेन टू योर ब्रेन एंड द ब्रेन टेल्स मसल्स टू पुल द हैंड बैक। एग्जांपल में आपको क्या बताया, जब भी आप कुछ भी एक्सीडेंटली किसी भी हॉट थिंग को आप टच कर लें, जैसे आप आयरन को टच कर लें एक्सीडेंटली, आपका हाथ उस पर लग जाए तो एकदम आप हाथ पीछे कर लेते हैं। वो प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले जब हाथ आपका गर्म किसी चीज़ को लगता है द नर्व्स आपकी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो या स्किन में जो आपकी जो नर्व्स है वो फौरन मैसेज सेंड करती है ब्रेन को कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है एंड देन ब्रेन आगे मैसेज सेंड करता है मसल्स को, किसके हैंड्स के मसल्स को मैसेज सेंड किया जाता है कि हाथ पीछे कर लिया जाए, और उस मैसेज पे वर्क करके बॉडी या हैंड रिस्पॉन्ड करता है और फौरन हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ये किसकी एग्जाम्पल दी थी हमारे पास, हीट की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, हीट की एग्जाम्पल, लाइट की एग्जाम्पल और साउंड की भी एग्जाम्पल आपको दे दी, और अदर स्टिमुलस में आपको ये बॉल की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि नर्वस सिस्टम, हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। आज हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़े, और ये पढ़ा कि उसकी डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जिससे मिलकर नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और ये भी हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम किस तरह मैसेजेस सेंड करता है, किस तरह इंफॉर्मेशन आउटसाइड द वर्ल्ड से लेता है और इनसाइड बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स से भी मैसेजेस लेता है और वापस उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करके वापस डिफरेंट ऑर्गन्स को मैसेजेस सेंड करता है। तो ये सारा कुछ था नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट सिस्टम, बॉडी का नेक्स्ट सिस्टम विच इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़ें और अच्छे से समझें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।